अगर आपको लेनी है पैसेंजर ऑटो, आपको बता दें कि बहुत सारे मार्केट में ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन भरी होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जितनी भी ऑटो अवेलेबल है सभी में हमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, क्या उसकी कीमत रहेगी, सारी बातें मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो आज हमने लिया है पियाजियो आपे ऑटो DLX पैसेंजर डीजल ऑटो की स्पेसिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे इस ऑटो में हमें क्या ऐसे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, क्या कीमत रहेगी और क्या ये ऑटो आपको लेनी चाहिए, सारी बातें आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये ऑटो लेनी है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको किसी आसपास को लेनी है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। बात करेंगे इस वाली ऑटो के बारे में, तो आपको बता दें कि जैसे कि आप सारे डेटा को देख रहे हैं तो ये आप ही के ऑफिशियल से ली गई है। अगर हम बात करेंगे ऑटो के बारे में तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिंगल सिलेंडर का डीजल इंजन, इंजन आपको मिलता है 435.6 सीसी का। अगर हम बात करें अवेलेबल के बारे में, ये वाली ऑटो अवेलेबल है डीजल वेरिएंट में, सीएनजी वेरिएंट में, साथ ही आपको एलपीजी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। पावर की बात करेंगे ये ऑटो आपको देती है 8.05 हॉर्स पावर की ताकत 3600 आरपीएम पर, टॉर्क जनरेट करती है 21 न्यूटन मीटर की 2400 से लेकर 2200 आरपीएम तक के बीच। गियर बॉक्स आपको मिलते हैं कॉन्स्टेंट मैस, क्लच टेप आपको मिलता है मल्टी डिस्क वेट टाइप की जो काफ़ी सही रहती है। स्वागत है आपका मेरे वाले चैनल में, कार और बाइक के बारे में सही कीमत और उसकी सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। अगर हम बात करेंगे फ्रंट के बारे में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, रेयर में अभी आपको वही देखने को मिलता है लेकिन आपको रबर कंप्रेशन स्प्रिंग भी आपको देखने को मिलती है। ब्रेक्स की बात करेंगे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है इस वाली ऑटो में। सिस्टम वोल्टेज आपको देखने को मिलती है 12 वोल्ट DC, बैटरी रेटिंग आपको मिलती है 50 AH की, व्हील बेस आपको मिलता है 2100 mm का। बात करेंगे इसके ओवरऑल विड्थ के बारे में तो इस ऑटो की ओवरऑल चौड़ाई है 1465 mm की, लेंथ की बात करेंगे इस ऑटो की ओवरऑल लंबाई है 3120 mm की, हाइट आपको मिल जाती है 1950 mm की। बात करेंगे रियर ट्रैक के बारे में तो वो है 1260 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है 240 mm की। बात करेंगे अगर हम कर्व वेट के बारे में तो आपको रहती है इस ऑटो की कर्व वेट 452 किलोग्राम। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ड्राइवर को लेकर आप इसमें 3 लोगों को आसानी से बैठा सकते हैं, ऐसी इसमें सीट की डिजाइनिंग की गई। बात करें ग्रेडिबिलिटी के बारे में तो वो है 18% की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है 10.5 लीटर की। अगर हम बात करेंगे इस वाली ऑटो की एक शोरूम कीमत के बारे में तो आपको पड़ेगी एक शोरूम कीमत 2,20,000 रुपये से लेकर 2,45,000 रुपये तक के बीच। ऑन रोड कीमत आपको लगभग से 3 लाख के आसपास पड़ेगी क्योंकि इसमें हम जोड़ेंगे RTO अमाउंट, रोड टैक्स और प्रोसेसिंग फी, तो कीमत बढ़ जाएगी। तो आज यहाँ पर हमने बात की है आपे ऑटो DLX डीजल वाली ऑटो की स्पेसिफिकेशन के बारे में और कीमत जैसा कि हमने जाना है। तो अगर आपको लेनी है ये ऑटो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा इस वाली ऑटो की लोन कीमत और EMI क्या रहेगी। और साथ ही हम बात करेंगे CNG LPG में हमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस।